नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे झारखंड में झामुमो के बड़े नेता शिबू सोरेन को। कहा जाता है कि झामुमो में अभी अगर कोई कद्दावर है, सबसे मजबूत है, तो वो शिबू सोरेन ही है। इसी कारण से हेमंत सरकार ने लगातार स्थानीयता के मुद्दे पर जोर दिया है। आखिर क्या कहना है शिबू सोरेन का? आखिर क्यों स्थानीयता के मुद्दे पर वो लगातार कह रहे हैं कि 1932 का खतियान ही इसको आधार बनाया जाए? आइए आज हम करते हैं पड़ताल और देखते हैं कि स्थापना दिवस पर झामुमो की तरफ से क्या संदेश दिया गया। जी हाँ, शिबू सोरेन लगातार 41वें स्थापना दिवस को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे थे और जो मुख्य मुख्य मांगे थी उसको लेकर वो बात कर रहे थे। शिबू सोरेन को माना जाता है कि इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ अगर कोई बात निकाल रहा है तो वो उनके पिता शिबू सोरेन ही हैं, जो कि झामुमो के सुप्रीमो हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को लगातार राजनीति सीखनी पड़ रही है और इसी के कारण में हेमंत सोरेन जानते हैं कि आदिवासियों और मूलवासियों, जो कि झारखंड के स्थानीयता का मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर वो लगातार चाहते हैं कि आदिवासियों का वोट बैंक भी बना रहे और उनके विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या है शिबू सोरेन की चाहत। शिबू सोरेन ने सबसे पहले खतियान के मुद्दे को लेकर कहा कि 1932 का ही खतियान जो है स्थानीयता का मुद्दा बने। स्थानीयता को लेकर उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उसमें स्थानीय युवकों को रोजगार के लिए वो सीटें रिजर्व कर दी जाए। ये एक बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर था। आगे शिबू सोरेन ने सीए और एनआरसी पे भी हमला करते हुए कहा था कि इसकी झारखंड में जरूरत नहीं है। शिबू सोरेन लगातार सरकार को जो है झारखंड में झामुमो के 41वें स्थापना दिवस पे पूरे हरे रंग का झंडा पूरे दुमका में छा गया था। एक तरीके से बड़ी तैयारी थी। शिबू सोरेन ने भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा में धनी होने के बावजूद झारखंड का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार जो थी राज्य को उसके हिस्से का राजस्व नहीं दे पाई। इसके कारण यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का, दलित वर्ग का, पीड़ितों का, शोषित वर्ग का समुचित विकास नहीं हो पाया। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उनको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन सरकार जो है वो उनके विकास पर लगातार खर्च करेगी। एक राजस्व जो है बड़ा हिस्सा उनको, इसी क्रम में हेमंत सोरेन का ताजा बयान जो आ रहा है, माना जा रहा है कि इसी को लेकर है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण नहीं दे सकती, अगर विकास के पैसे नहीं देगी केंद्र सरकार, तो वो केंद्र को कोयला नहीं देंगे, राज्य का कोयला राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से झारखंड के राजनीति में ऊंट किस करवट को जाता है। लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि झामुमो के प्रमुख शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन की सरकार को आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया, आगे बढ़ने के मुद्दे दे दिए। देखने वाली बात होगी कि इसके बारे में 1932 के खतियान के बारे में किस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार फैसला लेती है। देखेंगे, हम भी देखेंगे और आपको भी बताएंगे अगर कोई भी अपडेट इस पे रिगार्डिंग आता है तो। आने वाले दिनों में झारखंड के पॉलिटिकल अपडेट हम आपको लगातार देना जारी रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से हम लगातार वीडियोज बनाते रहते हैं। अगले दिन किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।